Hello dear learners, welcome to Easy Learnings for All. We are discussing first chapter real numbers for class 10. Today we are discussing theorems related to exercise 1.4. Exercise 1.4 is about revisiting rational numbers. Rational numbers के बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं, तो इसमें हम rational numbers के बारे में कुछ और बात करेंगे and their decimal expansion और उनके decimal expansion के बारे में. देखिए, इससे पहले कि हम थ्योरम्स की तरफ जाएं, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे रैशनल नंबर्स के. अगर मैं लिखूं 2/10, देखिए अगर हम इनके सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएं और वो सिंपलेस्ट फॉर्म भी हम रखें फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो क्या आता है आपका आंसर? 1/5, 8/10. यानी कि 4/5. अभी 2.25 है, अगर हम यहां से पॉइंट हटाएं तो हम यहां डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं, तो ये क्या गया? 9/4. एंड 3/60 का आप क्या कर सकते हैं? 1/20. अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स है उनकी वैल्यूज में कुछ बहुत कॉमन थिंग आ रही है. जब हम इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करें तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर आ रहे हैं, और जब आप टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो उसके डिनोमिनेटर में कुछ खास है, और वो क्या है? या तो उसमें फैक्टर में 5 है या 2 है, या 2 और 5 का ही कोई कॉम्बिनेशन है. अगर यहाँ पे एज यू कैन सी कुछ नंबर्स में आपने 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से अलग कुछ नंबर्स लिए, लेकिन वो भी टर्मिनेटिंग में चेंज हो गए या 2 और 5 की फॉर्म में चेंज हो गए, कब? जब हमने जो कॉमन फैक्टर थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनको कैंसिल आउट किया. सो यहाँ से इससे बेस्ड कुछ आप देखेंगे थ्योरम्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये बहुत मेन थिंग है. आप अपने एग्जांपल्स लीजिए, आप अपने फ्रैक्शंस लेके सोल्व करके देखिए, आप टर्मिनेटिंग नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज करके देखिए, तो यहाँ पे कुछ कॉमन थिंग्स जो आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन आने वाली है उन्हें हम समराइज करेंगे हमारी थ्योरम 1.5, 1.6 एंड थ्योरम 1.7 में. थ्योरम 1.5 किस बारे में है? थ्योरम 1.5 हमें बताती है कि लेट x कोई भी रेशनल नंबर है जिसका एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन है वो कुछ टाइम बाद टर्मिनेट हो जाता है. देन x कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स. कंडीशन क्या बताई? पी एंड क्यू क्या कैसे हो? को प्राइम. एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2^n, 5^m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. तो क्या कह रही है हमारी थ्योरम 1.5? थ्योरम 1.5 हमें बताती है कि अगर कोई भी नंबर जो है जो टर्मिनेट होता है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, उसमें उसका जो p बाई क्यू हम फॉर्म बनाएंगे, तो p बाई क्यू में जब p और q कैसे हो? को प्राइम नंबर्स हो, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर वैसे तो न्यूमरेटर में अदर देन 2 एंड 5 अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जब अगर हम लोग का को प्राइम नंबर ले लिए जाए, यानी कि उनमें जो भी कॉमन है, जैसे कि आप अगर कहें दिस इज 30 एंड हेयर इज 3, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कैसा नंबर है? 3 × 2 × 5, तो ये कैसा है? 2^n, 5^n की फॉर्म में नहीं है, बट अगर इनमें से जो कॉमन है उसको क्या कर दिया जाए? कट आउट कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, सो इट विल बी 1/10 एंड 1/10 इज इक्वल्स टू 1/2^n, 5^m.
तो यहाँ से आपको पता चला कि को प्राइम नंबर क्यों बोला गया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का कैसा होगा, 2 raised to power n, 5 raised to power m की फॉर्म में होगा, जहां पे m क्या है, n और m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर है, जीरो हो सकता है लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला है, यानी कि जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप 1/5 लेंगे तब भी वो टर्मिनेट होगा, 1/2 लेंगे, 1/4 लेंगे या 1/16 लेंगे, 1/25 लेंगे, तो ये सारे कैसे नंबर हैं, तो ये सारे नंबर कैसे हैं, टर्मिनेट होने वाले नंबर्स हैं। तो ये हो गई आपकी थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.6 बताती है लेट x इज इक्वल्स टू p बाई q। आपने क्या किया, x को p बाई q की फॉर्म में जब लिखा, पी आर रेशनल नंबर, x को रेशनल नंबर है, p बाई q की फॉर्म में है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2 raised to power n, 5 raised to power m, ऐसा कि जिसमें prime factorization q का इस form में हो, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. जो आपकी theorem 1.5 थी, उसी का ये एक type से reverse है। theorem 1.5 ये कह रही थी कि क्या होगा, कोई भी terminating decimal number होगा, जिसे p by q की form में लिखे, तो जब p और q को प्राइम नंबर्स होंगे तो q ये कंडीशन फुलफिल करेगा, दैट q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर m। अब ये जो थ्योरम है ये थोड़ा सा उल्टा कह रही है कि अगर x रेशनल नंबर है, p बाई q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, q की फॉर्म है 2 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर m, तो नंबर क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, दैट मीन्स टर्मिनेट करे, तो कंडीशन आ रही थी q की वैल्यू, q की फॉर्म क्या है, वैल्यू 2 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर m। अब है कि अगर q की फॉर्म 2 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर m है, तो नंबर क्या करेगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट याद है आपको कि एक पॉइंट के बाद जाके वो खत्म हो जाएगा, जैसे 5.25, तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, एंड इफ इट इज 25 बार, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर ये हो 5.25, 3.5, 9.5, 4.29, 7, एनीथिंग, तो ये कैसा है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, देन इट इज इरेशनल नंबर। ये कुछ कंडीशंस थी। लेट्स सी योर नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 1.7। And theorem 1.7 is about let x is equals to p by q be a rational number. Assume करिए कि x कोई rational number है p by q की form में. Such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to power n, 5 raised to power m. और ऐसे में जो q है, यानी कि denominator है, उसकी form 2 raised to power n, 5 raised to power m में नहीं है, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई और factor भी है, definitely वहाँ है. 2 और 5 है या नहीं, इस बात से ज्यादा जरूरी है कि वहां पे कोई और फैक्टर है, बिकॉज m एंड n कैन बी 0। सो वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इसका मतलब 0 नंबर, 0 है या फिर कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, आप ये कह सकते हो वेयर n एंड m आर होल नंबर्स, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर होते हैं। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग का दूसरा वर्ड है रिकरिंग। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर 2 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में है, तो थ्योरम 1.6 ये कहती है कि वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, और थ्योरम 1.7 कहती है कि अगर वो उस फॉर्म में नहीं होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, बट वो रेशनल नंबर है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो कैसा होगा, रिपीटिंग नंबर होगा।